मुझे लड़का ही चाहिए, ऐसे काफी लोग हमारे पास में आते रहते हैं। डॉक्टर साहब क्या करना, लड़कियां हुई है, अभी मुझे लड़का चाहिए, इसलिए कंसल्टेशन करते हैं। उनके लिए खास ये वीडियो बनाया हुआ है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। देखो, लड़का होना या लड़की होना ये कोई अपने हाथ में नहीं है, अपने कंट्रोल में है नहीं, ऐसा मैं काफ़ी लोगों को बोलते रहता हूँ और वो सत्य है। इट्स ए चांस, वो एक चांस है। पर काफ़ी लोग आते हैं कि नहीं, मुझे दो लड़कियाँ हो गई, अभी तीसरा चांस लेना है, हमको तो लड़का ही चाहिए। और फिर उसके लिए बताओ क्या है, तो फिर वो इधर उधर जाएंगे, कोई पूजा अर्चा करेंगे, कोई किसी महाराज के पास में जाएंगे, बाबा के पास में जाएंगे, कोई दवाइयाँ कोई लेता है कि भाई ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ तो उससे हो जाएगा, कोई एक्सरसाइज करो, कुछ करो, ऐसा कुछ ना कुछ लोग बताते रहते हैं। कोई मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, ज्योतिष को बताओ कि भाई क्या है अपने भविष्य में, तो ये सब जो है ये संभव नहीं है, ये होता ही नहीं है, ऐसा किसी के हाथ में नहीं है। आप कोई आपके महाराज के पास में जाते हो, गुरु के पास में जाते हो, बोलता है ठीक है आपको है ना बेटा हो जाएगा, आशीर्वाद है जाओ, ऐसा बोल के वो आपको रवाना कर देता है। लड़का हुआ तो बोलता मेरे वजह से हुआ, मतलब मैंने जो आशीर्वाद दिया उसके हो गया, लड़की होगी तो बोले आपका नसीब है, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। ऐसे कोई भी कहाँ भी कुछ भी क्लेम करते होंगे लोग, तो उनकी पुलिस कंप्लेंट होना जरूरी है। देखो, लड़का होना या लड़की होना ये क्रोमोसोम्स का मिलाप कैसे होता है उसके ऊपर है। पुरुष में जो शुक्राणु उसमें रहते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम उसकी जुड़ी रहती है, एक्स वाई क्रोमोसोम की जोड़ी पुरुष में। स्त्री में, स्त्री के जो बीजांड रहता है तो बीजांड में एक्स एक्स क्रोमोसोम की जोड़ी रहती है। अब उनका जब मिलाप होता है, स्त्री का और पुरुष के, मतलब पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का बीजांड, उसका जब मिलाप होता है तो मिलाप के बाद में कौन किसको चिपकता है उसके ऊपर लड़का और लड़की डिपेंड है। समझो, पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स, ऐसे दोनों चिपक गए एक दूसरे को, साथ में आ गए तो लड़की हो जाएगी। पुरुष का वाय और स्त्री का एक्स, वो साथ में आ गए चिपक गए तो लड़का हो जाएगा, इतना सिंपल है वो। मगर वो अपने कंट्रोल में है नहीं, वो नेचुरल है, कुदरती है, कैसे चिपक जाएंगे उसके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं। मगर इसके लिए काफी सारे लोग बताते ये हार लो, वो हार लो, फिर दाहिने या बाएं तरफ सो के सो जाओ, फिर पूरब के तरफ पैर रखो, पश्चिम के तरफ पैर रखो, फिर ये व्रत करो, वो व्रत करो, कैलेंडर की ये तारीख को सम्मुख करो, वो कोने में करो, ये कोने में करो घर के, मतलब ऐसे अलग 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 तरीके लोग बताते रहते हैं। फिर कोई बोलता है कि सुबह करो, कोई बोलता है रात को करो तो आपको लड़का हो जाएगा, मतलब लड़का होने के काफ़ी सारे लोग अपने अपने तरीके बताते रहते हैं। तो ये असत्य है, वो एक चांस है, और वो चांस क्या होगा हमको मालूम नहीं है। तो किसी के ऊपर डिपेंड रखना नहीं है, कोई डिपेंड रहना नहीं है, भरोसा करने का नहीं है, कोई कुछ भी उसके इसमें कर सकता नहीं है, ना कोई दवाई है, ना होम्योपैथी में, ना आयुर्वेद में है, ना और कोई जड़ी बूटी में है। ये वीडियो सभी लोगों को शेयर करो ताकि लोगों का एक उसके बारे में जो एक अज्ञान है, अंधश्रद्धा है, वो दूर हो जाएगी। हमारा एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं, और आपको कोई भी सेक्स के बारे में कोई प्रॉब्लम होंगे तो हमने जो नंबर दिए उसके ऊपर कॉल करो। हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन हम करते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन करके लोगों के जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन देते रहते हैं। हमारे यहाँ से हम दवाई भेजते रहते हैं, तो कभी भी कॉल कीजिएगा। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपकी भी पार्टनरशिप प्लीज़ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।